हेलो गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे दिन की फर्स्ट ट्रेड ले चुका हूँ और मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी कॉल को शॉर्ट किया है 175 के भाव का। इसका ओपन प्राइस है 195 का। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों अगर इसकी लो की बात कर ली जाए, वो लगा है 138 का और प्रॉफिट भी यहाँ पे हमारा लगभग 800-900 रुपये का बन चुका है और हमने स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे अपने ट्रेल कर लिया है। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि ट्रेड में ये हमें स्टॉप लॉस लेके जाता है या फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट देता है। और भाई लोगों, इसका जो लो लगा है 130 के भाव का, अब दोस्तों इस कंडीशन में हमें लॉस नहीं हो सकता। अब यहाँ से हम कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होकर 173 के भाव पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा की तरह हम प्रॉफिट के बड़े होने का वेट करेंगे अगर ट्रेड पलटता है तो एग्जिट। तो भाई लोगों, नया लो लग चुका है 125 के भाव का, प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 1100-1200 रुपये के आसपास। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। तो भाई लोगों, यहाँ पे ट्रेड पलटने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी खड़ा है। दोस्तों अगर ये ट्रेड पलटता है, खैर नुकसान तो लेके जाने वाले नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि ट्रेड में क्या होता है। तो भाई लोगों, यहाँ पर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कट चुका है, बाकी देखते हैं। और यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट ऑर्डर है वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है, ये मेरी सेकंड ट्रेड है। तो लेट्स सी, इसमें भी देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई लोगों, मैंने यहाँ पे दोबारा एंट्री ले ली है सेकंड ट्रेड में 175 के भाव पे। मैंने अभी यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है और मैंने अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस भी लगा दिए हैं। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। अगर ये ट्रेड चलती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो भी ठीक है, एंड ये मेरी आखिरी ट्रेड होगी। ठीक है, उसके बाद आई एम डन फॉर द डे। तो देखते हैं दोस्तों इस ट्रेड में क्या होता है। तो भाई लोगों, वैसे ही डिसिप्लिन से काम करेंगे जैसे हम करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ट्रेड में किया था ऐसे ही डिसिप्लिन से काम हम सेकंड ट्रेड में करेंगे। भले यहाँ पे मुझे लॉस क्यों ना जाए, लेकिन यहाँ पे मैं डिसिप्लिन से काम करूँगा। और लॉस भी कितना होगा दोस्तों, लॉस भी बहुत ही छोटा मोटा सा होगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और रिवॉर्ड्स जो निकल के आ सकता है वो बड़ा निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ हमें यहाँ पे काम करना है। तो भाई लोगों, ये ट्रेड थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, अभी 400-500 रुपये के प्रॉफिट में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। हमने तो यहाँ पे दोस्तों इनफैक्ट 1200-1300 रुपये तक का भी प्रॉफिट छोड़ दिया है। वो किस वजह से दोस्तों, वो इस वजह से क्योंकि दोस्तों मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैं प्रॉफिट को बड़ा होने देता हूँ। ठीक है, इस तरह ही मैं काम करता हूँ और इस ट्रेड में भी मैं ऐसे ही काम करूँगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ट्रेड फिर में जाएगा वैसे वैसे हम स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करेंगे। हम यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे हमें लॉस बड़ा नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बड़ा लेना है। तो इस अप्रोच के साथ यहाँ पर हम काम करते हैं। तो लेट्स सी, आई विल यू अपडेट जो भी होता है। तो भाई लोगों, यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट था थोड़ा बहुत, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर हम माइनस में आ चुके हैं और अपने स्टॉप लॉस के भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। दोस्तों वैसे तो ऐसा लगता है कि ये हमारा TSL कट ही जाएगा। ठीक है, अगर TSL कटता है यहाँ पे तो मैं आगे कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे आई एम डन फॉर द डे। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो भाई लोगों, यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट चुका है हाल फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 190 के भाव पर कट चुका है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, अब यहाँ पे कुछ ट्रेडर यही सोच रहे होंगे कि अब मॉर्निंग में तो यहाँ पे 1000+ के प्रॉफिट में थे, अब यहाँ पे 200 रुपये के लॉस में निकले। दोस्तों ये लॉस बहुत ही छोटा सा है, इसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता था। लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाता अगर हमारा ट्रेड चलता। ठीक है, ट्रेड नहीं चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देखो, लॉस बहुत छोटा सा है। ठीक है, ये छोटे छोटे लॉस चलेंगे, छोटे छोटे लॉस लेते जाओ, मार्केट आपको बड़ा प्रॉफिट देगी। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस। ठीक है, आप ऑटोमेटिक ही एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, इस अप्रोच के साथ ही आपको काम करना है। ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ठीक है, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, अधिकतर नए ट्रेडर इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, बड़ा लॉस छोटा प्रॉफिट, वे क्या करते हैं, जैसे ही उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा तो वहाँ पे वे झट से बुक कर लेते हैं, और जब उनका लॉस की बारी आती है तो लॉस को होल्ड करके बैठे रहते हैं, होप लगाते हैं कि ट्रेड वापस होगा, ट्रेड वापस होगा। लेकिन दोस्तों इस अप्रोच के साथ काम नहीं करना, वहाँ पे हमें अपने डिसिप्लिन के साथ ही काम करना है। जहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करना है तो एग्जिट करना है। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ ही हमें काम करना होता है। तो भाई लोगों, उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं ली। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मॉर्निंग में 2 ही ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड में मेरा TSL कटा और दूसरे ट्रेड में मेरा TSL ही कटा, वो भी छोटे मोटे लॉस पे।
और दोस्तों मैं बैंक निफ्टी का आपको हाल दिखा देता हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी खुला गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिवर्स जाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ से रिवर्स पलटने के बाद इसने फिर नीचे गया, तो दोस्तों मतलब कि मार्केट में एक रेंज में ही काम करती रही, ठीक है। कल भी यही सिनेरियो रहा था मार्केट का और आज भी। और दोस्तों कल इवेंट का दिन है और थर्सडे एक्सपायरी भी है और फेड की मीटिंग भी है आज रात को, जिसके डिसीजन आने वाले हैं। तो दोस्तों इवेंट से एक दिन पहले मार्केट अधिकतर एक रेंज में ही काम करती है, ठीक है। मार्केट डिसाइड नहीं कर पाती कि किस साइड जाना है, तो इसी वजह से मैंने आगे भी फर्दर कोई ट्रेड नहीं ली, ठीक है। वैसे तो मार्केट का जो मूड मोल था वो नेगेटिव ही था, लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली क्योंकि मार्केट नहीं डिसाइड कर पा रही थी जाना किस साइड है, और यही मार्केट में देखने को मिला, ठीक है। मार्केट ऊपर नीचे नीचे ऊपर यही चलता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो ही ट्रेड ली और यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा सा लॉस लिया ओनली 200 रुपये का, जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय, टेक केयर।